सागर जी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, आपका साल में कई बड़े बड़े कार्यक्रम लगते हैं और युवाओं की एक बहुत बड़ी राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर आपने एक टीम खड़ी की है, आप तो खुद ही जानते हैं और आप यहाँ आए भी हैं कि हम अपना मैसेज नहीं पहुँचा पाए, लोगों को नहीं समझा पाए कि जन्मदिन पर जो आता है वो आए और खूब उत्सव मनाए, मगर परिनिर्वाण दिवस पर आना हर आदमी का फर्ज है, कर्तव्य है, ज़रूर है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ भी जैसे 14 अप्रैल को कार्यक्रम होता है, ऐसे ही यहाँ 6 दिसंबर को भी बाबा साहब के बोधिसत्व के परिनिर्वाण दिवस पे कार्यक्रम लगता है। ये हमारा मीडिया और ये हमारे कार्यकर्ताओं की कमी है कि हम अपनी बात को उन तक नहीं पहुँचा पाए, मगर इस बार जैसा कि आपने टीम ने ये पूरा बीड़ा उठाया और भी टीम यहाँ आई, उन्होंने यहाँ चाय, नाश्ता, कहवा, कॉफ़ी वो सबका लगाया, ये फ्रूटी आपकी बढ़ रही है, पानी है और आपका मैसेज जा रहा है और आप खुद एंकर बन गए इस बात के लिए कि भाई क्या बोलते हैं कि हमें ये मैसेज पहुंचाना है और आप स्वाभिमान का पूरा सेटअप लेके आए। तो अगले साल जैसा प्रयास और मेहनत आपकी और जैसा प्रयास और लोगों की है, क्योंकि हर अनुयायी जो 14 को आता है वो 14 को आए ना आए मगर 6 को जरूर आएगा, क्योंकि हमारे अनुयायी को पता ही नहीं है। सर ये पर कमी हमारी ना, इस मैसेज को नहीं फैला पा रहे हम लोग कि 6 दिसंबर को क्यों नहीं आ पा रहे, अब इसका प्रचार भी तो नहीं है, सोशल मीडिया पे भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे है ही नहीं इसका प्रचार, ये हमारी भी कमी है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, 2 दिन पहले मुझे भी पता लगा, आपने मुझे आदेश दिया तो जब जाके मुझे पता लगा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर को लोगों को ये भी नहीं पता कि पार्लियामेंट खुलता है आम जनता के लिए, इसका मैसेज नहीं है हमारे पास। बेसिकली जो अखबार आता है वो सुबह को आता है, जब तक सुबह को अखबार आता है लोगों को पता चलता है तब तक वो कार्यक्रम जा चुका होता है। सरकार इसका 2-3 दिन पहले कार्यक्रम का प्रचार नहीं करती, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रचार करें, अम्बेडकर फाउंडेशन भी प्रचार नहीं करता, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पता है, वो आते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाके सल्यूट भी करते हैं, मगर वो प्रचार करने में बड़े कमज़ोर हैं। तो ये युवाओं का दायित्व है, ये बात बतानी है कि बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए, वो अकेले क्रांतिकारी थे, मगर 6 दिसंबर को उन्होंने लाखों के लाखों कार्यकर्ता पैदा कर दिए, इसलिए 6 दिसंबर लाख गुना बड़ा दिन है 14 अप्रैल के मुकाबले। 14 अप्रैल आपका खुशी का हो सकता है, मगर क्रांति का, जो आगाज़ इंकलाब क्रांति का होता है यहाँ, जिसको हम बाबा साहब को कहते हैं क्रांति बीज, वो क्रांति बीज का आज का दिन रोपा गया था, जिससे कि लाखों अनुयायी और करोड़ों अनुयायी पूरे देश में पैदा हो रहे हैं। तो ये जैसा कि आपने प्रचार का बीड़ा उठाया है और भी लोगों ने, मैंने समझता कि अगली बार यहाँ 14 अप्रैल से भी बड़े लोग आएंगे और इकट्ठे होंगे। सर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपने मुझे उस दिन के बारे में मतलब बताया कि आप यहाँ पे आए, पर अगली बार के लिए हमारे लिए क्या आपने कुछ मन में आपके क्या चल रहा है कि अगली बार ऐसा क्या किया जाए कि संख्या भी बढ़े और ये जो स्टॉल्स हैं 14 अप्रैल के दिन हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि यहाँ लोग आएँ, उनके लिए हम गर्म पेय, क्यों ठंडा ही ठंडा होता है तो गर्म पेय चाय लेके आएँ, बड़ा आसान सा है, एक 2000 रुपये की टंकी आती है 20 लीटर की, आप उसमें कहवा, चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ भी लेके आएँ, गिलास लेके आ जाएँ और अपना यहाँ स्टॉल लगाएँ, जगह जगह यहाँ परिवार आएँ और अपने परिवार के साथ आएँ, अपने बुद्ध विहार अम्बेडकर भवन से बस लेके आएँ। आप दिमाग में ये बात डाल लें, मन में ये बात डाल लें कि 14 अप्रैल चाहे आओ या ना आओ, मगर 6 दिसंबर को फर्ज है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, लाजमी आना है, हर हालत में आना है, चाहे बच्चा घर में स्कूल जाए ना जाए, मगर यहाँ जरूर आना है, क्योंकि बच्चा जिसकी वजह से जाता है उसका ये दिन है। हमारी भी सर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम 6 दिसंबर का जो दिन है उसको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि 6 दिसंबर निर्माण दिवस हुआ था, बाबा साहब उस दिन चले गए थे, पर उनके विचारों को जिंदा करने के लिए हमें 6 दिसंबर ही उसको हमें बहुत महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि 14 अप्रैल को तो बाबा साहब को लाखों अनुयायी मानते हैं, 6 दिसंबर को कम मानते हैं, पर उस दिन बाबा साहब निर्वाण प्राप्त कर गए थे, पर 6 दिसंबर को हमें और बढ़ाना है और उस दिन उनके विचारों को फैलाना है, इसलिए उसको बड़ा दिन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक भी करना है। तो इसके माध्यम से जैसे आपने मुझे बताया था कि भाई आप अपना चाय वगैरह और ये फ्रूटी वगैरह स्टॉल लेके आना, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि उस दिन स्टॉल भी लगते हैं। नहीं, ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी अब चूंकि आप फैला रहे हैं, बाकी मीडिया भी आज फैलाएगा, सारी बात बताएगा कि यहाँ स्टॉल लेके आए, चाय लेके आए, टेंट लगाएं, लोग इसको आगे बनाएं। कारण क्या है कि बाबा साहब 6 दिसंबर को एक्सपायर नहीं हुए, मरे नहीं, क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते, महापुरुष तो उस दिन पैदा होते हैं, वो तो 6 दिसंबर को पैदा हुए और वो दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी आप लाखों करोड़ों लोगों के दिल में पहुंच गए, उनकी जो शिक्षा है लाखों करोड़ों लोगों के दिल में पहुंच गई,
कोई महापुरुष कभी नहीं मरता, वो जब मरता है जब उसका विचार कमजोर होता है या विचार मर जाता है या उसका अनुयायी मर जाता है। बाबा साहब का अनुयायी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा सुसज्जित, सबसे ज़्यादा संगठित, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वाला और अभावों में रहते हुए भी काम को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसलिए बाबा साहब का जैसा जो व्यक्तित्व चरित्र है उसको देखते हुए दुनिया के सारे लोग उनको सल्यूट करते हैं और ये बात मानते हैं कि 6 प्रमुख लोगों में बाबा साहब सबसे अग्रणी हैं दुनिया के अंदर, इसलिए उनको विश्वरत्न बोला जाता है, इसलिए उनको बोधिसत्व बोला जाता है। तो आपके सब अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार यहाँ बहुत लोग आएंगे, जैसे चैत्य भूमि पर लाखों लोग आते हैं वैसे आएंगे।